हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से विक्ट्री इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन व जिला पुलिस बद्दी के सहयोग से सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पीरस्थान में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के कार्यकर्ताओं व पुलिस कर्मचारियों ने वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया व हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नालागढ़ डिपो की ओर से जरूरतमंद दो पहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट भी वितरित किए गए। संस्था के अध्यक्ष महेश कुमार व HPCL के मुख्य डिपो प्रबंधक गोपाल दास ने बताया कि शिविर के दौरान NGO के कार्यकर्ताओं ने पुलिस व HPCL के कर्मचारियों के साथ मिलकर वाहन चालकों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहन चालकों को सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, दोपहिया वाहन चालकों को हमेशा हेलमेट के प्रयोग करने, अधिक स्पीड में गाड़ी ना चलाने व अन्य सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करने का आग्रह किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पैम्फलेट व गाड़ियों पर स्टिकर भी लगाए। कार्यक्रम के दौरान हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ओर से ऑफसाइड मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया व 21 जरूरतमंद दोपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट भी बांटे गए। इस अवसर पर ASP बद्दी NK शर्मा ने बताया कि लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। सर, मेरा नाम गोपाल दास है, मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चीफ डिपो मैनेजर हूँ नालागढ़ में। और हर साल की तरह जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, हम इसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये हमारे साथ NGO बिनो से है और SP साहब पधार रहे हैं। और आपको पता होगा हर साल को 1.5 लाख के करीब सड़क दुर्घटनाओं में मौतें होती हैं और कई सारे लोग जख्मी भी हो जाते हैं या अपाहज भी हो जाते हैं। तो इसी को अवेयरनेस करने के लिए हम यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हर एक के जो नागरिक है वो अपनी जिम्मेदारी समझे और अपनी सुरक्षा खुद करे। थैंक यू। उनके लिए ये मैसेज है कि वो हेलमेट पहने। और कई पेट्रोल पंपों में हमने ऐसा भी किया है कि बिना हेलमेट के हम पेट्रोल नहीं डालेंगे। सड़क यातायात सुरक्षा ये एक विधि अनुसार एक प्रयोग है लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए। आए दिन हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी लोगों की मृत्यु हो रही है। इसमें सबसे बड़ा कारण जो है लोगों की तेज रफ्तारी और गलत से वाहन को चलाना। दूसरा कारण ये है कि गाड़ियों को एक दूसरे से ज़्यादा गति में चलाना। और तीसरी प्रकार की जो मृत्यु का कारण ये है कि दो पहिया वाहनों को लोग जो हैं वो बिना यातायात नियमों को की पालना किए हुए चलाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु होती है। इसमें दोपहिया वाहन चालकों की सबसे बड़ा मृत्यु का कारण ये है कि बिना हेलमेट के वाहन चलाना। आज हमने यातायात के बारे में सब लोगों को जागरूक किया है, उनको यातायात संबंधी नियमों को बताया है, उसके संबंधित सामग्री उनको दी है और कम से कम 25 लोगों को निःशुल्क हेलमेट भी प्रदान किए हैं। तो मुझे ये आशा है कि ये अभियान जो है ये हमारा यातायात के बारे में सब लोगों को जागरूकता फैलाने में सहायक होगा और लोगों की मृत्यु या दुर्घटना कम होगी। सभी लोगों से ये अपील की जाती है कि वो जब भी वाहन चलाएं तो यातायात नियमों का पालन करें। अगर कोई व्यक्ति यातायात नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नालागढ़ से अमर गुज्जर की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।